अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चार ब्लॉगर। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान का मतलब है पाक सर ज़मीन। पाकिस्तान बनने में बहुत से लोगों ने कुर्बानियाँ दी। कितनी माओं के लाल चले गए, कितनों के सुहाग उजड़ गए, कितने यतीम हो गए, फिर जाकर हमें पाकिस्तान मिला। हमारे बुज़ुर्गों ने इस मुल्क पाकिस्तान को हासिल करने के लिए अनथक मेहनत की और नतीजा ये निकला कि आज हम सब पाकिस्तानी आज़ाद हैं। लेकिन हमें आज़ादी मिलने पर शुक्र अदा करने के बजाय हमने अपनी ज़िंदगी को और मुश्किल कर दी। यूँ समझ लें कि हमने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आजकल के माँ बाप अपने बच्चों को पुरानी कहानी सुनाने के बजाय, जोशो वलवला पैदा करने के बजाय 20 रुपए के बाजे थमा देते हैं, जो हर गली के नुक्कड़ पर इस तरह बजाता है जैसे हमने आज़ादी इस तरह हासिल की थी। अपने किरदार पर डाल के पर्दा इकबाल, हर शख्स कह रहा है ज़माना ख़राब है। आज का नौजवान अपनी बाइक पर साइलेंसर हटाकर ये सबूत देता है जैसे अंग्रेज़ों ने इनकी बाइक की आवाज़ सुनकर आज़ादी दी, या फिर यूं कह लें कि कायदे आज़म को इनकी बाइक की आवाज़ की वजह से बेदार होना पड़ा। खैर, ये जान तो आनी जानी है, बस ये वतन सलामत रहे। लेकिन जब बात वतन पर आती है तो यही नौजवान और बच्चे जान देने के लिए हाजिर हो जाते हैं। हम अल्लाह से उम्मीद रखते हैं कि यह वतन हमेशा इसी तरह सलामत रहे, हम हो ना हो लेकिन यह पाकिस्तान हमेशा कायम रहे।